बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जो उस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। सिरमौर में 10 नए मामले सामने आए हैं, तो कोरोना के अब कुल केस प्रदेश भर के अंदर 1641 हो चुके हैं। ऐसे में अगर एक्टिव केसों की बात करें तो 547 केस हिमाचल प्रदेश के अंदर अभी भी एक्टिव हैं। 547 केस एक्टिव, 1067 मरीज ठीक हो चुके हैं। तो ये बड़ी खबर और ताजा आंकड़े हिमाचल प्रदेश में कोरोना को लेकर, लगातार ये संख्या बढ़ती हुई। सिरमौर में 10 नए मामले ट्रेस किए गए हैं। आपको बता दें कि लगातार ये आंकड़े अब चिंताएं बढ़ाते हुए और कुल मिलाकर अब यह आंकड़ा 1641 तक पहुंच चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुश ढोवाल जुड़े हुए हैं तमाम जानकारियों के साथ। अंकुश, प्रदेश के अंदर अब यह आंकड़ा 1600 को पार कर चुका है, और सबसे बड़ी बात यह अंकुश समझना होगा कि कोई दिन ऐसा नहीं होता हो जब हिमाचल प्रदेश के अंदर नए मामले सामने ना आते हों। आज एक मौत भी हुई है प्रदेश के अंदर, ताजा अपडेट्स में चाहूंगा सबसे पहले आप दर्शकों को दें। जी बिल्कुल, कोरोना का संक्रमण पूरे प्रदेश भर में लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में अगर बीते कल की बात की जाए तो कल जो है 110 मामले विभिन्न 10 जिलों से रिपोर्ट किए गए, और आज जो दोपहर का कोरोना बुलेटिन जारी किया गया उसमें भी 10 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। और कल जो है सोलन, सिरमौर और शिमला जिले से काफी ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए हैं, और लगातार ये जो जिले हैं हॉटस्पॉट बनकर अब उभर रहे हैं। इससे पहले कांगड़ा और हमीरपुर जिले के जो हालात थे वो काफी खराब थे, लेकिन अब जो है सोलन और सिरमौर जिला है वो हॉटस्पॉट बनकर उभर रहा है। ऐसे में लगातार अब स्थिति खराब होती चली जा रही है, और सबसे विशेष बात यह है कि जितने भी एक्टिव केसेस फिलहाल प्रदेश में मौजूद हैं, ये लगभग 95% केसेस जो हैं वो जुलाई के महीने में आए हैं। यानी कि जुलाई का जो महीना है कोरोना को लेकर हिमाचल प्रदेश में वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा है। हालांकि पहले भी कोरोना के मामले पूरे प्रदेश भर में आ रहे थे, लेकिन बावजूद इसके लोगों की ठीक होने की जो दर थी वो भी काफी ज्यादा थी, लेकिन अब लोगों की ठीक होने की दर भी घटी है और साथ ही साथ कोरोना संक्रमण के मामले भी बढ़े हैं। और कल की बात की जाए तो कल 110 रिकॉर्ड मामले रिपोर्ट किए गए हैं। आज से पहले इतने ज्यादा कोरोना के मामले हिमाचल प्रदेश में कभी भी रिपोर्ट नहीं किए गए थे, और कल का जो दिन था हिमाचल प्रदेश के लिए वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा है कोरोना के लिहाज से। अच्छा अंकुश, जैसा कि आपने बताया कि कल का दिन सबसे ज्यादा टफ रहा हिमाचल प्रदेश के लिए कोरोना के मामलों को लेकर, तो अब आगे क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग कर सकता है, क्या कुछ स्थानीय प्रशासन कर सकता है इस बढ़ रहे संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए? जी बिल्कुल, जो प्रशासन और सरकार है वो लगातार जुटे हुए हैं कार्य में कि किस तरह से कोरोना संक्रमण को रोका जाए। हालांकि विपक्ष भी जो है लगातार सरकार पर हमलावर है कि सरकार जो है गलत फैसले ले रही है, इसके कारण संक्रमण बढ़ रहा है। हालांकि आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कहा कि संक्रमण का जो नंबर है वो बड़ा है, लेकिन बावजूद इसके जो अधिकतर मामले आए हैं वो जो है वो क्वारंटीन में ही थे। ऐसे में लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जो है लोगों का जो डर है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहले सुरक्षित था और अब लगातार जो मामले हिमाचल प्रदेश के अंदर बढ़े हैं उसने देवभूमि के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। और लोग जो है बढ़ेंगे तो परेशानियां बढ़ना बिल्कुल लाजमी हो जाता है, क्योंकि जब नंबर बढ़ेंगे तो लोग परेशान होंगे ही। अंकुश, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक जो कोरोना है जिसमें कोई लक्षण नहीं होते हैं वो बड़ी परेशानियां खड़ा कर रहा है तमाम प्रदेशों के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, एसिम्प्टोमेटिक जो लोग हैं उनका जो है आइडेंटिफाई करना उन्हें बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनमें किसी प्रकार के सिम्टम्स नहीं दिख रहे होते हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने ये तय किया हुआ है कि जो भी 7 दिन तक क्वारंटीन पूरा किया करेगा उसके बाद उनका कोरोना टेस्ट लिया जाएगा, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा कोरोना की टेस्टिंग भी बढ़ाई जाए और कोरोना संक्रमण को जो है वो आइडेंटिफाई किया जा सके। ऐसे में लगातार बेहद मुश्किल सरकार के सामने भी जो है वो सामने आ रही है, लेकिन लगातार जो सरकार लेकिन कुल मिलाकर अब संक्रमण को रोकने के लिए कोई जरूरी कदम जरूर उठाना पड़ेगा सरकार को। अंकुश, इस तमाम बातचीत के लिए और जरूरी अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए